अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका तो जैसे कि एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज मैं आया हूं अलीपुर लथरार रोड बैंक रोड के ऊपर, जहां के ऊपर बनी है नई बट कढ़ाई की ब्रांच। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बट कढ़ाई की सीक्रेट रेसिपी, और आज आपको हम दिखाएंगे ये नई ब्रांच जिसकी आज ओपनिंग हो रही है। वीडियो के साथ बने रहें। अब हम आपको बताने लगे हैं बट कढ़ाई की सीक्रेट रेसिपी, किस तरह बट कढ़ाई वाले पूरे पंजाब में इतना मशहूर हैं। मटन की रेसिपी भी आपको बताएंगे, चिकन की रेसिपी भी बताएंगे। क्यों शेफ, आज हम आपको लोगों को बताने वाले हैं यानी जी बताने वाले। और ये रेसिपी सुनने के बाद वीडियो को आपने देना है थम्स अप, लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, और बट कढ़ाई लिथरा रोड को जरूर विजिट करना है। मजे मजे की बट कढ़ाई यहाँ से खानी है और अच्छी जिंदगी गुजारनी है, एंजॉय करें। जी शेफ साहब, हम आप बताएं हमें जो सीक्रेट आपका राज है, आप किस तरह बनाते हैं मटन की कढ़ाई और बट कढ़ाई स्पेशल चिकन किस तरह बनाते हैं। जी शेफ, सबसे पहले क्या डालेंगे? सर सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, ठीक है, और दो टमाटर तीन डालेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे, हसबे जायका नमक डाल दिया, नमक, और इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद हम इसको प्रेशर में लगाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हसबे मुताबिक हम जो है वो पानी डालेंगे, ठीक है, इसको प्रेशर में लगाना है और इस तकरीबन इसको 7-8 मिनट देने हैं हमने, ठीक है। तो सर ये मक्खन कितना डालेगा इसमें? सर ये तकरीबन 200 ग्राम हम डालते हैं, ये दो टिक्कियां, ये 100 ग्राम की एक टिक्की है, ठीक है, और ये जो है ना 200 ग्राम और घी का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे? हम घी नहीं इस्तेमाल करते, हम देसी घी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम जो है अगर चिकन कढ़ाई की तरफ बढ़े तो चिकन कढ़ाई की क्या रेसिपी है? यही रेसिपी है, सेम टू है। प्याज डाला सबसे पहले, प्याज डालेंगे, और टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है चिकन के अंदर या बराबर गोश्त जितना? बिल्कुल चिकन के अंदर हम जो है ना वो ज्यादा डालते हैं, ठीक है, इसके अंदर ग्रेवी जो है। हाफ कढ़ाई के लिए कितना चिकन कितना आप लेते हैं, गोश्त कितना होता है? ये सर हाफ हाफ ही है, हाफ हाफ टर्म के लिए उठाते हैं, चिकन होता है और हाफ ही मटन उठा, हाफ के जी हाफ चिकन जी, ठीक है। अब चिकन प्याज डाल दिया, आगे का डलेगा? तीन अदर टमाटर, टमाटर डाल देंगे, हसबे जायका नमक, और नहीं इससे पहले लाल मिर्च डलेगी सर, इसके बाद हम नमक डाल देंगे, ठीक है, इसके बाद हम जो है लाल मिर्च डाल देंगे, ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रेशर में लगा देंगे, चिकन को भी प्रेशर में लगाएंगे जी, इसको भी हम तकरीबन 3-4 मिनट देते हैं प्रेशर कुकर में। जी बिल्कुल। क्या ये आपका सीक्रेट राज है आपकी रेसिपी का, प्रेशर कुकर जो आप लगाते हैं? जी बिल्कुल। साइड में जो आपने गार्निशिंग के लिए यहाँ पे अदरक रखी हुई है, मिर्चें रखी हुई है, बनने के बाद आप डालते हैं इसमें? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये तैयार हो जाता है हम उस वक्त इसमें डालते हैं, और हरी मिर्च की गार्निश होती है, धनिया की होती है, और इसके बाद जो है हम इसमें भी दो अदद टिक्कियां डालती हैं 100-100 ग्राम के मक्खन की, जी जी, और सेम देसी घी इसमें भी इस्तेमाल होता है। थैंक यू शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बट कढ़ाई का सीक्रेट राज जो है सारी पब्लिक के साथ शेयर किया। तो गाइस, अब हम आ गए हैं शाह हुसैन साहब, और जैसा हमने आपसे वादा किया था 22 जनवरी की वीडियो के बाद, आज जो है वो ओपनिंग हो रही है बट कढ़ाई लिथरा रोड अली फराज टाउन इस्लामाबाद। तो शाह साहब, कुछ जरा व्यूअर्स को बताएं इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग के पीछे क्या राज है, क्या आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस तरह आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे बट कढ़ाई के ओरिजिनल टेस्ट के साथ, क्योंकि पहले भी हम जो है वो बट कढ़ाई की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अभी शाह जी की तरफ से अगेन वी आर हैविंग द लंच नाउ। शाह जी, कुछ अल्फाज व्यूअर्स के लिए। बहुत मेहरबानी ब्रदर, आप दोबारा गेना हमारे पास आए। जैसा कि आपने इससे पहले शनवारी रेस्टोरेंट का हमारा जो इस्लामाबाद में है उसकी वीडियो बनाई थी, उसके अलावा हमने ये सेकंड बट कढ़ाई है जो हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि हमने एक अडियाला रोड पर खोली है और ये आज ओपनिंग की है हमने इस्लामाबाद लथरार रोड अलीपुर फराश टाउन में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज हुआ, और इंशाल्लाह आपको टेस्ट आपको हेल्दी एंड फ्रेश एंड टेस्टी ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा जो कि बट कढ़ाई का है। शाह साहब, मुझे ये बताइए जो आपके रूफ का मैं सेटअप वगैरह देख रहा हूँ, ये जो आपने रूफ के ऊपर ये सारा लगाया है, मिरर्स वगैरह सारा चलने वाला, तो क्या
यहाँ की पिंडी की जो इस्लामाबाद की लोकल है वहाँ में वो डर भी जाएगी थोड़ी, मैं तो मतलब थोड़ा सा घबरा गया। और जिस तरह आपने बताया कि बड़ा ये 15 mm का ग्लास है, बड़ा मोटा ग्लास है और इससे कोई मिसहैप नहीं होगा, तो ये आइडिया मतलब इसके पीछे क्या राज है थोड़ा सा, जो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इस रेस्टोरेंट का, जिस तरह आपने यहाँ पे पख्तून स्टाइल के जो है वो भट्टे भी लगाए हैं और बट कढ़ाई क्योंकि जो है वो पंजाब का मतलब एक मुझे लग रहा है कि नाम है बड़ा मशहूर, लक्ष्मी चौक लाहौर से जो है ये पैदा हुआ बट कढ़ाई, तो ये एम्बियंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं पख्तून मिक्स थोड़ा सा बाद में, ये नया ट्रेडिशन लाने के पीछे क्या वजह थी, क्या राज था इसका? ये जो जितने भी आप सेटअप देख रहे हैं, अगर आप नॉर्मल बट कढ़ाई देखें ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इतना अच्छा सेटअप, मतलब एक VIPs और ज़्यादा अच्छे फैमिली का, मतलब है कि अगर आपके कोई बाहर से लोग आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई VIP आ जाए, तो लोग डरते हैं कि यार हम थोड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए। बिल्कुल। लेकिन हम चूँकि फूड बहुत टेस्टी है बट कढ़ाई का, बिल्कुल, उसी के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट दी और एम्बियंस ऐसा दिया कि जो नॉर्मल अगर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाएंगे इस्लामाबाद में एनीवेयर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक थोड़ा सा हट के हमने दिया है, ये आपको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों अटैच है, शीशे की तरफ वो ग्लास लगा हुआ है और ये टेम्पर्ड है, ग्लास है 15 inch लगा हुआ है इसमें, तो मतलब कोई मिस है तो चांस नहीं होगा, घबराना नहीं होगा, कोई सबसे पहले आप घबराना नहीं है अभी शुरू करते हैं, रेसो को वेट नहीं कराते। शाह जी जरा बिस्मिल्लाह करें, थोड़ी सी शीशे वगैरह जो है वो डालें, ये मलाई बोटी है भाई, क्या बात है गाइस, जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो है ये, अभी ये वाकई में ये बिल्कुल मलाई की तरह, ओहो क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है गाइस। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शाजी के लिए आपने अच्छी अच्छी दुआएं करनी है, इस रेस्टोरेंट में अल्लाह बरकत डाले, मज़ीद लोग जो हैं वो विज़िट करें। अब पूछते हैं जी यूसुफ अजीज साहब से कि हमको जायका कैसा लगा, आपने बताना है कि ये प्लाटर आप यूसुफ अजीज साहब खा रहे हैं, जायका कैसा था इस प्लाटर का, कुछ व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त, टेस्ट आपको कैसा लगा, चीजें कैसी लगी आपको? चीजें जबरदस्त हैं, बहुत आला, चावल बहुत अच्छे हैं, मलाई बोटी बहुत अच्छी है, कबाब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्लस सेटअप बहुत आला है, एनवायरनमेंट अच्छी है, ठीक है, और सर्विस बहुत आला है, तो मैं तो यही कहूँगा अपने दोस्तों से भी, आप आएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छा फूड है, रिजनेबल, बहुत प्यारा मेन्यू है प्राइस में, ठीक है, आप आएँ, अपनी फैमिली को लेके आएँ और खाना खाएँ और इन्जॉय करें। जी अजीत साहब, आप अब बताएँ कि बट कढ़ाई जो है ट्रेडिशनल जो है फेमस दाल मशहूर बट कढ़ाई, उसका जायका आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन जायका है। तो जिस तरह ये लाहौर में इनका जायका, आज इनकी ओपनिंग का पहला डे है, तो जरा व्यूअर्स को बताएं क्या वही जायका आपको यहाँ पर भी मिला है? सेम वही जायका है, जिस तरह लाहौर का बट कढ़ाई का जायका है वही, उसी तरह का ये भी सेम टू सेम है। बट कढ़ाई लितरार रोड को, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं हूँ आपका दोस्त SK, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पीस आउट।